आज वह बूढ़ा हो चला है, उसके हाथ कांपने लगे हैं, ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, चेहरे की रौनक अब झुर्रियों में बदल चुकी है। रात में अब नींद कहां आती है, बस जीवन भर के किए पाप आंखों के सामने घूमते रहते हैं। रह रहकर वह उठकर बैठ जाता है, ऐसा लगता है किसी पिशाच से सामना हो गया है। आज वह अपने बेटों के प्यार के लिए तरसता है, लेकिन उसने कितनों के घर उजारे कोई हिसाब नहीं। औरंगजेब अब जान चुका है कि वह अब अपने मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है, जहां से जीवन की कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। आज उसकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि दुख ही दुख है। आज वह बेटों की याद में डूबा हुआ है, उसके मन में बेचैनी है जो अपने बेटों को बताना चाहता है, लेकिन कैसे, वह तो उससे मिलो दूर है। एकाएक उन्हें पत्र लिखने का ख्याल आया, वह उठकर बैठ गया। वह कुछ बड़बड़ा रहा है, पता नहीं क्या, कोई सुन नहीं पा रहा है। कांपती हुई हाथों से बेटे शहजादे आलम को लिखना शुरू किया। अब मैं बूढ़ा और दुर्बल हो रहा हूं। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे निकट बहुत से व्यक्ति थे, किंतु अब मैं अकेला जा रहा हूं। मैं नहीं जानता मैं क्या हूं और इस संसार में क्यों आया हूं। मुझे आज उन क्षणों का दुख है जिन क्षणों में मैं अल्लाह की इबादत को भुला रहा। मैंने देश अथवा इसकी प्रजा के लिए भला नहीं किया, मेरा जीवन ऐसे ही निरर्थक बीत गया। अल्लाह मेरे हृदय में निवास करता था, लेकिन मेरी आंखों के आगे छाए हुए अज्ञान के अंधेरे के कारण मैं उसकी ज्योति नहीं देख सका। जीवन नाशवान है और बीता हुआ क्षण कभी लौट कर नहीं आता है। भविष्य में मेरे लिए कोई आशा नहीं रह गई है। ज्वर अब उतर गया है, किंतु मुझ में अब मांस और सूखी चमड़ी के अतिरिक्त कुछ रह नहीं गया है। जैसी मेरी दशा है, अल्लाह से बिछड़ा हुआ और जिसके हृदय को कोई शांति नहीं है, उसी प्रकार सेना अब निराश हो गई है और उसमें कोई उत्साह नहीं रह गया है। उन्हें नहीं पता कि उनका सम्राट भी है या नहीं। इस संसार में मैं कुछ भी लेकर नहीं आया, किंतु अब पापों का भारी बोझ लेकर जा रहा हूं। मैं नहीं जानता मेरे लिए अल्लाह ने क्या दंड सोच रखा है। यद्यपि मुझे अल्लाह की दयालुता में पूर्ण यकीन है, फिर मैं दूसरों पर क्या विश्वास करूं। जब मेरी खुद से ही कोई आशा नहीं रही तो मैं दूसरों से क्या आशा रखूं। खैर जो होगा हो, मैंने तो अपनी नाव पानी में छोड़ दी है। विदा विदा अलविदा। औरंगजेब अभी भी चिंतन में पड़ा हुआ है। वो सोच रहा है कामबख्श को भी पत्र लिखूं। उसने फिर से लिखना शुरू किया। मेरे रूह की रूह, अब मैं जा रहा हूं। मुझे तुम्हारी निस्सहाय अवस्था पर दुख है, किंतु क्या लाभ। जितने भी दुख मैंने दिए हैं, प्रत्येक पाप जो मुझसे हुआ है और जो भी बुरा मुझसे हुआ है, उसका परिणाम मैं स्वयं भोगूंगा। कैसा आश्चर्य है कि जब मैं इस संसार में जन्मा, कुछ भी साथ नहीं लाया, और अब पापों का एक महान काफिला अपने साथ ले जा रहा हूं। मैं जिधर देखता हूं, मुझे अल्लाह की रहनुमाई के सिवाय कुछ नहीं दिखता। तुम्हें मेरी अंतिम इच्छा माननी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुसलमान मारे जाएं और इनका श्राप अल्लाह के बेकाम प्राणी के सर पर पड़े। मैं तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को अल्लाह के संरक्षकता में छोड़ते हुए विदा मांगता हूं। मैं बुरी तरह से दुखी हूं, शायद तुम्हारी बीमार मां भी मेरे साथ ही मर जाए। अल्लाह की शांति तुम्हें प्राप्त हो। अलविदा मेरे बेटे। दोस्तों, औरंगजेब नायक था या खलनायक, ये सवाल इतिहास के पन्नों में कभी भी न सुलझने वाला तथ्य है। लेकिन इन पत्रों को सुनकर हमें ये लगता है कि इंसान जीवन भर अच्छे काम करे या बुरे, जीवन के अंतिम समय में हमारे कर्म हमारे आंखों के सामने घूमने लगते हैं। हमारे पाप हमारा पीछा तब तक नहीं छोड़ती है जब तक हमारे प्राण हमारे शरीर को छोड़ न दे। अगर हम औरंगजेब का पूरा जीवन देखें, तो एक बात हमारे जहन में आती है कि क्या पता औरंगजेब को कब्र में भी सुकून मिलता होगा या नहीं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।